अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब आप बेंजोइल पेरोक्साइड जेल को यूज करना चाहते होगे, लेकिन आपके मन में दो डाउट और एक कंफ्यूजन होगा। सबसे पहला डाउट, क्या जेल सच में वर्क करता है एक्ने को रिमूव करने के लिए? दूसरा डाउट, क्या इस जेल के कोई साइड इफेक्ट से? कंफ्यूजन ये होगा कि बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% या फिर 5% वाला जेल यूज करना चाहिए। आप लोगों के सभी डाउट और कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा इस वीडियो में। इस जेल को मैंने 3 मंथ तक यूज किया था अपने एक्ने को रिमूव करने के लिए, मतलब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है इस जेल का। छोटा सा रिव्यू है लेकिन डिटेल रिव्यू है। 10 मिनट की वीडियो में भी आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो मैं इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोगों का सबसे पहला डाउट, क्या ये जेल सच में वर्क करता है एक्ने को रिमूव करने के लिए? तो डेफिनेटली वर्क करता है, इसलिए मैंने इसे 3 मंथ तक यूज किया था। मार्केट में जितने भी एक्ने रिमूवल जेल्स अवेलेबल है, एडाप्लेन, क्लिंडामाइसिन एक्सेट्रा, सबसे फास्ट और इफेक्टिव जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड ही है। इस जेल ने सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में ही मेरे ग्रेड 4 एक्ने को रिमूव कर दिया था, फिर भी मैंने इसे 3 मंथ तक यूज किया था, कहीं एक्ने फिर से ना जाए। एक सेकंड, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखते हो तो इस वाली वीडियो में मैंने बोला था मेरे एक्ने आइसोटिटिनोइन की कैप्सूल से रिमूव हुए, अब मैं बोल रहा हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड जेल से। आइसोटिटिनोइन के बेनिफिट्स आपको 3-4 मंथ्स बाद मिलते, मतलब उस टाइम जो मेरे फेस पे फ्रेश एक्ने थे वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइल पेरोक्साइड जेल से रिमूव हुए थे, लेकिन मेरे फेस पे परमानेंटली एक्ने आना बंद आइसोटिटिनोइन की वजह से हुए थे। साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो हाँ, इस जेल के साइड इफेक्ट्स है। जब मैं इस जेल को यूज कर रहा था मेरे स्किन पे रेडनेस आई थी, और एक्ने रिमूव होने के बाद जो डार्क स्पॉट रह जाते वो चेरी की तरह रेड हो गए थे, लेकिन उस टाइम मैं कंफ्यूज था क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड जेल के साथ में लिंग्स एक्टिव, सोप्रेक्सोप, ये तीनों चीजें मैंने सेम डे से यूज करनी स्टार्ट करी थी, और इन्हीं तीनों चीजों से मेरे एक्ने के ट्रीटमेंट का स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम मुझे पता नहीं लग पा रहा था तीनों में से किसकी वजह से मेरे स्किन पे रेडनेस हो रही है, तो पहले मैंने सोप को यूज करना बंद किया, रेडनेस नहीं गई। फिर मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड जेल को यूज करना बंद किया था, 1 वीक में रेडनेस चले गई थी। जितने भी मैंने इसके ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े, ऑलमोस्ट सभी ने ये लिखा है इस जेल को यूज करने के बाद स्किन पे रेडनेस आती है, लेकिन सिर्फ रेडनेस रहती है, बर्निंग, इचिंग वगैरह नहीं होती। अब मैं आप लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ, बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% या फिर 5% वाला जेल यूज करना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर सेंसिटिव है और आपको किसी भी ग्रेड के एक्ने, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4, तो आप लोग बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% वाला जेल ही यूज करना, क्योंकि 5% वाला जेल ही हमारी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। अगर आप 5% वाला जेल यूज करोगे, स्किन की बैंड बच जाएगी। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई, नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन है और आपको ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 मतलब नॉर्मल वाले एक्ने, तो आप लोग भी बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% वाला जेल यूज करना। लेकिन अगर आपकी ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन स्किन पे ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 मतलब एक्सट्रीम लेवल वाले एक्ने, तो आप लोग बेंजोइल पेरोक्साइड 5% वाला जेल यूज करना। आपकी स्किन टाइप वालों को 5% वाले जेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेडनेस हर एक स्किन टाइप वालों को आएगी, बस ज्यादा धूप में मत जाना, और एक्ने रिमूव होने के बाद जेल को एकदम से नहीं, धीरे धीरे यूज करना बंद करना। और अगर आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी है तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मार लो, कौन से स्किन टाइप वालों को कितने परसेंट वाला जेल यूज करना है मैंने डिटेल में लिखा है। अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया या आपका कोई भी क्वेश्चन है जेल से रिलेटेड या फिर मुझसे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स खुल जाए, जो लिखना है लिख सकते हो, रिप्लाई में हर किसी को करता हूं। और एक सेकंड, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए बंदे को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।